आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के चर्चित खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं चाहत सिन्हा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना से संक्रमित चोर गुरुवार को फरार हो गया। दो दिन पहले ही उसे पूर्व कोरा थाना क्षेत्र से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोरोना की जांच कराई गई तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि गुरुवार को वह अस्पताल से फरार हो गया। इस चोर की वजह से हजारीबाग जिला में दो थाना को सील करना पड़ा और 70 पुलिसकर्मी सहित 100 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कोरोना के पेंडिंग टेस्ट को क्लियर करने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में कथित तौर पर कम टेस्टिंग को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और संबंधित जिलों में सरकार की गाइडलाइन को पूरा फॉलो किया जाए। मुख्य सचिव को जानकारी मिली है कि कोविड 19 के लगभग 5000 जांच रिपोर्ट फिलहाल पेंडिंग है। इन सभी को जल्द ही क्लियर करने का मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है। मांडा विधायक बंधु तिर्की ने कोरोना संकट के चलते CBSE की ओर से कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस में बेहतरीन कटौती किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह छात्रों के हित में नहीं है। यह समझ से परे है कि पाठ्यक्रम को छोटा करने के क्रम में क्यों महत्वपूर्ण विषयों से छात्रों को वंचित किया जा रहा है, जबकि ये उनके जीवन के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा है कि CBSE को पाठ्यक्रम हटाने का उचित कारण बताना चाहिए। स्कूल बंद होने के कारण शिक्षण में कटौती के नाम पर जरूरी विषयों को हटाना गलत है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का हार्निया का ऑपरेशन गुरुवार को रिम्स में हुआ। ऑपरेशन सफल रहा, वह स्वस्थ है। चिकित्सीय जांच के बाद उन्हें रिकवरी रूम से वार्ड में शिफ्ट किया गया। ऑपरेशन करने वाली सर्जरी टीम में प्रोफेसर शीतल मलुआ, डॉक्टर निशित एक्का, डॉक्टर मृत्युंजय मुंडू, जबकि एनेस्थेशिया के डॉक्टर प्रवीण तिवारी, डॉक्टर लाघु लाकड़ा, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर शक्ति सिंह शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्री का ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला। इस बीच मंत्री की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूर्व DGP DK पांडे, पत्नी पूनम पांडे और बेटा शुभांगन पांडे की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई AGC 18 दिवाकर पांडे की अदालत में हुई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को 16 जुलाई तक केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। पूर्व DGP DK पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने पूर्व DGP DK पांडे, पत्नी पूनम पांडे और बेटा शुभांगन पांडे के खिलाफ प्रताड़ना और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया है। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ।